खबर मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में अविनाश चंद्रा नामक व्यक्ति के घर में घुसकर कुछ लोगों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर की थी लूटपाट, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। कोतवाली पुलिस व एसओजी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और मुकदमा दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई, जिसमें आज कोतवाली पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने की प्रेस वार्ता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अविनाश चंद्रा के बहुत ही पुराने व विश्वसनीय कर्मचारी के बेटे गौतम ने इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि गौतम को अपने ऊपर हुए कर्ज को चुकाना था, जिसके लिए गौतम ने अपने रिश्ते के भाई के साथ इस प्रकरण को अंजाम दिया है। इस पूरे प्रकरण में 9 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से 6 लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। एक इन सभी 6 लोगों को एम्बुलेंस में घटनास्थल पर लेकर आया था और जो मुख्य साजिशकर्ता और रेकी करने वाले लोग थे वो घटनास्थल पर नहीं थे। कल शाम को थाना कोतवाली क्षेत्र में अविनाश चंद्रा जी के मकान पर कुछ अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर नौकर को, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको बंधक बनाकर घर में लूटपाट की गई थी। इस सूचना पर तत्काल हमारे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी SP CT साहबान और हमारी SOG की टीम मौके पर पहुंचकर पूरी छानबीन की गई। मुकदमा दर्ज करते हुए हमारी टीमें इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। आज मात्र 14 घंटों में हमारी टीम को इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और इस पूरी घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इनके पास से जो लूटे हुए सामान थे, जो ज्वेलरी थी, मूर्तियां थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बैग के साथ लूटे गए थे, जो मोबाइल फ़ोन, वो सभी 100% बरामदगी कर ली गई है। और पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता मालिक अविनाश चंद्रा के बहुत पुराने विश्वसनीय कर्मचारी का बेटा गौतम है, जो यहीं मुरादाबाद का रहने वाला है। इसने अपने रिश्ते में भाई के साथ, रिश्तेदार के साथ मिलकर इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और कुल टोटल 9 लोग इस घटना में सम्मिलित थे, जिसमें से 6 लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, एक व्यक्ति एम्बुलेंस से जिसमें सभी लोगों को लेकर आया था और जो मुख्य साजिशकर्ता और रेकी वाले हैं वो लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इन सभी लोगों को जो है के विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और इसमें धारा परिवर्तन करते हुए कठोर धाराओं में इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या उद्देश्य था इनका चोरी करने का? देखिए, जो पूछताछ में बताया कि जो मुख्य साजिशकर्ता गौतम है उसको पैसे की लेनदारी हो गई थी, कर्ज हो गया था और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने रिश्तेदार वरुण के साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लान किया था। चूँकि कल ट्यूसडे का दिन था, बाड़ मार्केट बंद रहती है और इनका, अविनाश चंद्रा जी का जो है वो ज्वेलरी का भी शॉप है, इस उम्मीद के साथ कि वो घर में काफ़ी सामान मिलेगा, ये पूरी घटना को उन लोगों ने प्लान किया था। चूँकि उनका आवागमन वहाँ रहता था और इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया और हमारी टीम ने उतनी ही तेजी के साथ इन सभी जो मेन अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर सभी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।